हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में आज हमें मुकाबला देखने को मिला था अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच में, और इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने काफी बड़ा उलटफेर करते हुए इंग्लैंड की टीम को हरा दिया, जिसके बाद आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की पॉइंट्स टेबल पूरी तरीके से बदल चुकी है। पूरी की पूरी पॉइंट्स टेबल आज इस वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल में बताई जाएगी। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आज के मुकाबले में अफगानिस्तान की इंग्लैंड के ऊपर मिली जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी कि नंबर 10 की पोजीशन पर आती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दो मुकाबले खेले हैं, दोनों ही मुकाबले हारने के बाद इस टीम के 0 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट है -1.846 का। इनसे ऊपर पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 की पोजीशन पर हमें देखने को मिलती है नेदरलैंड्स की टीम। नेदरलैंड्स की टीम ने भी दो मुकाबले खेल लिए हैं, दो में से दोनों ही मुकाबले हारने के बाद इस टीम के 0 पॉइंट्स हैं। नेट रन रेट की बात की जाए तो -1.800 का नेट रन रेट हमें देखने को मिलता है। इनसे ऊपर पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 की पोजीशन पर आती है श्रीलंका की टीम। श्रीलंका की टीम ने भी अभी तक दो मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मुकाबले हारने के बाद इनके 0 पॉइंट्स हैं। नेट रन रेट की बात की जाए तो -1.161 का नेट रन रेट हमें श्रीलंका की टीम का देखने को मिलता है। इसके बाद गाइज, अगर पॉइंट्स टेबल में हम थोड़ा सा ऊपर चलें और बात करें मिडिल की पॉइंट्स टेबल की, तो आज के मुकाबले में इंग्लैंड को हराने के बाद अफगानिस्तान की टीम अब पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पर आ चुकी है। अफगानिस्तान ने 3 मुकाबले खेले हैं और आज इनकी 3 मुकाबलों में पहली जीत थी, इससे पहले 2 मुकाबले हार चुके थे, जिसकी वजह से इस टीम के 2 पॉइंट्स हैं। नेट रन रेट की बात की जाए तो -0.927 का नेट रन रेट हमें अफगानिस्तान का देखने को मिलता है। इनसे ऊपर पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर आती है इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड की टीम ने 3 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबले में जीत और आज अफगानिस्तान से हारने के बाद ये टीम 2 मैचेस हार चुकी है। इनके सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट है -0.723 का। इनसे ऊपर पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर आती है बांग्लादेश, जिन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबले में जीत और 2 मुकाबलों में हार के बाद बांग्लादेश के 2 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट है -0.699 का। जिसके बाद फाइनली अगर हम थोड़ा सा और ऊपर चलें और बात करें टॉप 4 की पोजीशंस की, तो नंबर 4 पर आती है पाकिस्तान की टीम, जिन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबलों में जीत और 1 मुकाबले में हार के बाद पाकिस्तान की टीम के 4 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट है -0.137 का। इनसे ऊपर नंबर 3 पर आती है साउथ अफ्रीका की टीम, जिन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों ही मुकाबले जीतने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम के 4 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट है +2.360 का। इनसे ऊपर नंबर 2 की पोजीशन पर आती है न्यूजीलैंड की टीम, जिन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं, 3 में से तीनों ही मुकाबले जीतकर न्यूजीलैंड की टीम के 6 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट है +1.604 का। जिसके बाद फाइनली अगर हम बात करें टेबल टॉपर्स की, तो भारत की टीम अभी भी पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। 3 मुकाबले भारत ने भी खेले हैं, तीनों ही मुकाबले जीतने के बाद भारत के 6 पॉइंट्स हैं और भारत का नेट रन रेट है +1.821 का। कमेंट करके आप लोग बताना आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।